हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे इज आवर टॉपिक इज, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस, पढ़ेंगे किसमें, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस में। डिफरेंस मैं इसलिए कराती हूँ ताकि आप इसको अगर पिछली चीज़ से आप रिलेट करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये इसमें भी था, इसमें भी था। तो हम हेडिंग डालते हैं, क्या हेडिंग है? डिफरेंस बिटवीन, इसमें कर रहे डिफरेंस बिटवीन कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, ठीक है। कंजक्शन पहले देखेंगे क्या होते हैं और इंटरजेक्शन क्या होते हैं, फिर उसके बाद इसका टेबल बना के हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं इंटरजेक्शन को, ले लेते हैं, अब यही पढ़ा है तो पहले यही ले लेते हैं। तो इंटरजेक्शन हमने अभी पढ़ा है, आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटरजेक्शन होता क्या है। तो बताइए क्या होता है। तो लिखते हैं इंटरजेक्शंस आर यूज्ड किसलिए यूज़ होते हैं बताइए, एक्सप्रेस करने के लिए। फीलिंग को पढ़ा था ना, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर कोई अचानक की फीलिंग, अचानक के जो इमोशन होते हैं। एंड ये और क्या करते हैं, एंड आर यूजुअली ग्रामेटिकली सेपरेट फ्रॉम अदर सेंटेंसेस, और ये क्या होते हैं, ग्रामेटिकली सेपरेट होते हैं अदर सेंटेंसेस से, सेपरेट फ्रॉम अदर सेंटेंसेस। तो समझ आया इंटरजेक्शन क्या होता है, यूज किए जाते हैं एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन को, और ये ग्रामेटिकली अगर इसको देखते हैं तो अदर सेंटेंसेस से अलग होते हैं, सबको पता है। और क्या होता है, इंटरजेक्शंस आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज्ड स्पेरिंगली, स्पेरिंगली मतलब होता है स्मॉल अमाउंट में। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम कंजक्शन क्या होते हैं। ये भी जिसने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उसे पता होगा कंजक्शन क्या होते हैं, सब बताया था कितने टाइप्स के होते हैं, कब यूज होते हैं। कंजक्शन बताइए, कंजक्शन क्या होते हैं, अ वर्ड दैट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होते हैं ये, जॉइनिंग अदर वर्ड्स, किसको ज्वाइन करते हैं, अदर वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या फिर फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं
या फिर सेंटेंसेस, क्लॉजेस भी लिख देती हूँ, क्लॉजेस की भी बात होती है और सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये क्या काम होता है, इनका जॉइनिंग का काम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर्स भी बोलते हैं और कनेक्टिव वर्ड्स भी कहा जाता है कंजक्शंस को, लिंकर्स और कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है। तो इनके अगर मैं एग्जांपल लूँ कौन कौन से होते हैं ये, जैसे हो गया एंड, फॉर, बट, बिकॉज, इफ, व्हेन, ऐसे ही अगर मैं इसके एग्जांपल लूँ इंटरजेक्शन के, तो कौन सा था ये, यू, हुर्रे, और क्या था, यस भी होता है और वेल भी होता है, यिप्पी, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये एग्जांपल है इंटरजेक्शन के। नेक्स्ट पे हमने पढ़ा कंजक्शन क्या होता है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इनका डिफरेंस। तो क्या है ये, सबसे पहले लेंगे हम इंटरजेक्शन, और फिर लेंगे कंजक्शंस को, ठीक है। तो इंटरजेक्शन को अगर हम लिखते हैं, तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, दे आर एक्सप्रेशंस, क्योंकि हमें क्या शो करते हैं, डैट शो सडन फीलिंग या सडन इमोशन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन आर वर्ड्स जो कि हमें कनेक्ट करते हैं, दैट कनेक्ट और मोर वर्ड्स, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, कंजक्शन क्या होते हैं, कनेक्ट करते हैं टू, क्लियर ही कर देती हूँ एक बार इसको पूरा। तो अब देखते हैं कंजक्शंस को, कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट टू, किसको कनेक्ट करता है, टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को, ठीक है। ये सब इसका काम होता है जोड़ने का, इसका काम होता है एक्सप्रेस करने का, एक्सप्रेशन देने का। और इसमें क्या होता है, इंटरजेक्शन में डू नॉट हैव अ ग्रामेटिकल फंक्शन एट ऑल, ये नहीं लिखता है, ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता होती है। देखते ही कहाँ पर आते हैं, ऑकरेंस क्या है, इनका ऑकरेंस क्या है, जनरली एट द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, या फिर जनरली एट द मिडल, कौन से यूज होते हैं, ये वाले, तो क्या होगा, जनरली ऑकर्स मिडल ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। और ये क्या होता है, जनरली ऑकर्स बिगनिंग ऑफ आ सेंटेंस, ठीक है। तो ये शुरुआत में आते हैं, ये बीच में आते हैं। अब नेक्स्ट हम और किस पॉइंट से इसको डिफरेंट कर सकते हैं, इसमें
इसमें क्या होता है, पंक्चुएशन जो होती है वो नॉट यूज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पंक्चुएशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड, बट इंटरजेक्शन में तो पंक्चुएशन मार्क आते हैं, फॉलोड क्यों सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। यूज्ड एक्सक्लेमेशन भी होता है वैसे, कॉमा भी होता है, हाइफन भी होता है, फुल स्टॉप भी, बट सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस ये फॉर्म किसके करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बनाते हैं। और अगर मैं देखूँ कि इंटरजेक्शंस हमारे स्टैंड कर सकते हैं अलोन, तो लिखते हैं यहाँ पे दे कैन स्टे आइसोलेटेड, या अकेले, आइसोलेट मतलब ये रुक रह सकते हैं, बट नॉट स्टे आइसोलेटेड, या अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, दोनों का जल्दी से एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये अगर मैं इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल देखूं तो क्या होगा, हुर्रे आई हैव गॉट अ बुक, वाह मुझे किताब मिली है। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन का क्या होगा, हुर्रे आई हैव गॉट द बुक, ओके तो वाह मुझे किताब मिली है। अगर मैं कंजक्शन का एग्जाम्पल देखूँ तो कंजक्शन का क्या होगा, वीना एंड प्रिया, ये पी बड़ा आएगा, प्रिया आर सिस्टर्स, तो इसमें कंजक्शन कौन सा था, इसमें कंजक्शन था एंड, इसमें इंटरजेक्शन था हुर्रे, जो हमारी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस का जो डिफरेंस है वो समझ आ चुका होगा। एक फीलिंग का एक्सप्रेस करता है और एक सेंटेंस को जोड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, देन ये वाला चैप्टर हम अपना वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।